हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन कृषि बिलों पर गहन चर्चा हुई। विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। आपको बता दें कि दूसरे दिन सदन में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मंत्री विज ने जवाब दिया कि मामले में आरोपी युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि इस संबंध में कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने सवाल पूछा था, जिसका जवाब गृह मंत्री अनिल विज ने दिया। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भी इसी मुद्दे पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा, तो गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेशवासियों को सुरक्षित और डर रहित माहौल उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। विधानसभा में मनोहर सरकार ने 3 नए कृषि कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। इसके लिए सदन में एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने इन 3 कानूनों को किसानों के लिए हितकारी बताया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधायक रघुवीर सिंह काद्यान ने कृषि कानूनों की प्रतियां तक फाड़ दी और फिर सभी कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। इससे पहले हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों कृषि कानूनों और एमएसपी के मुद्दों पर विधानसभा के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने प्रस्ताव पेश किया, जिसे रद्द कर दिया गया। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोई भी प्रस्ताव विधानसभा सत्र के 15 दिन पहले प्रस्तावित किया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रस्ताव 2 नवंबर को दिया गया, इसलिए अब इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस आधार पर स्पीकर ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करना शुरू किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में नारेबाजी करने लगे। करीब 15 मिनट तक इस वजह से सदन की कार्यवाही बाधित रही। करीब 10 मिनट तक वेल में खड़े रहने के बाद कांग्रेसी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन कुछ देर में लौट आए। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई तो सोनीपत में जहरीली शराब से हुई मौतों पर कांग्रेस ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया, लेकिन स्पीकर ने इसे भी खारिज कर दिया। इसके विरोध कांग्रेस विधायकों ने दोबारा हंगामा किया और विरोधी नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। वही कांग्रेस विधायकों ने एमएसपी की गारंटी के लिए 4th कानून बनाने की मांग की है, जिसमें किसानों को फसल की एमएसपी नहीं देने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान हो। किसान कानून किसानों को बर्बाद कर देंगे, ये आम नागरिक की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी प्रभावित करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।